नमस्कार, मैं हूं शिरीष उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबरदार। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खबर के प्रायोजक हैं गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। बकरीद और गणेशोत्सव के मद्देनजर पुलिस ने की शांतता कमेटी की बैठक का आयोजन। नांदेड़ जिला पुलिस प्रशासन के सामने बारिश की तबाही के बाद अब आगामी त्योहार बकरीद और रक्षाबंधन तथा गणेश चतुर्थी मुहर्रम आदि त्योहारों के दरमियान कोई अप्रिय घटना न हो, इसकी जिम्मेदारी आन पड़ी है। इसे सुनिश्चित करने के लिए किनवट के पुलिस उपाधीक्षक सदाशिव चौधरी द्वारा किनवट स्थित पंचायत समिति सभागृह में शांतता कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें सभी समुदाय और कवि पार्टियों के पदाधिकारी व नेता तथा महिलाएं शामिल थी। पुलिस उपाधीक्षक सदाशिव चौधरी ने दोनों समुदायों से त्योहार शांतिपूर्वक मनाने की अपील की और आगाह किया कि कोई भी कानून हाथ में लेने की कोशिश न करे। उद्या बकरी हा सण मुस्लिम बांधवामध्ये साजरा होणार आहे, त्या अनुषंगाने जी कुर्बानी दिली जाणार आहे त्या संदर्भामध्ये कोणीही उघड्यावरती मांस विक्री करू नये, कोणत्या ठिकाणी रक्त वगैरे सांडणार नाही, कोणाला त्यापासून त्रास होणार नाही हा दृष्टिकोन प्रत्येकाने बाळगला पाहिजे, कायद्याचा आदर केला पाहिजे। त्याचप्रमाणे हिंदू बांधव श्रावण मास हा सण उत्सवात साजरा करतायत, तो महिनाभर चालणार आहे। सर्वांनी आपल्या देशाला देशातील संस्कृतीप्रमाणे भाईचाराने एकोप्याने एकमेकासोबत राहून हा सण अत्यंत आनंदात उत्साहामध्ये साजरे करावेत, या दृष्टिकोनातून कोणत्याही ठिकाणी कायद्याला गालबोट लागणार नाही, कायदा कोणी हातात घेणार नाही आणि शांतता सुव्यवस्था राहतील। यानिमित्त मी सर्व किनवट बांधवांना विनंती केलेली आहे आणि जो कोणी कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न करेल, मग तो कोणी असो, त्याची गय केली जाणार नाही। बकरीद और गणेशोत्सव महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। ऐसे मौकों पर पुलिस और प्रशासन की चुनौती काफी बढ़ जाती है। किनवट से रशीद फाजलानी, खबरदार। देखते रहिए खबरदार, रहिए खबरदार।